भगवान भोलेनाथ सोमनाथ के दर्शन के लिए। तो बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, 5000 साल पुराना पेड़। तो बेसिकली पांडव जो थे ना, वो अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रुके थे। सो हे, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आप सबका सोमनाथ से। जी हाँ, आज सुबह सुबह ही हम लोग सोमनाथ पहुंच चुके हैं, सोमनाथ मंदिर पे पहुंच चुके हैं। और अभी मैं अपने होटल के बालकनी में खड़ा हूँ, और यहाँ से आप एक बार खाली नज़ारे देखो यार, ज़बरदस्त। ये पीछे सोमनाथ का मंदिर, इसके अलावा पूरा का पूरा यहाँ पर सी दिख रहा है हमें, समंदर दिख रहा है, अल्टीमेट नज़ारा यहाँ से, अल्टीमेट। और इसी व्यू की वजह से हमने ये वाला होटल बुक किया है, क्योंकि हम हर रोज़ मतलब 2 दिन का प्लान है यहाँ पर रुकने का, तो सुबह उठ के ये वाला व्यू देख सके, ज़बरदस्त नज़ारे, काफ़ी ज़बरदस्त। तो सुबह सुबह उठ के आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो, तो उसके बाजू में ये नज़ारा देखने को मिले, क्या ही कहना, ज़बरदस्त। और एक और बात, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे कि भाई इन्फॉर्मेशन तो दे जगह के बारे में, कुछ तो बता। तो देखो, ये भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। और इस जगह के लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर पड़ता है, ये मंदिर का लोकेशन है। तो अगर आप आना चाहते हो तो सिंपली गूगल में सर्च करके आ सकते हो, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, डायरेक्टली आपको यहाँ पर ला देगा। और देखो यार, जो लोग सोमनाथ आ चुके हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं आए उनको मैं बता देता हूँ कि सोमनाथ मंदिर का जो एंट्री गेट है ना, वहाँ पर आप कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। कैमरा का यहाँ पर अंदर आप फ़ोन भी नहीं ले जा सकते, अंदर आप फ़ोन से भी शूट नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से ये उधर से ही आपको फ़ोन भी रखवा देंगे बाहर। तो अगर आपके पास छोटा कैमरा, बड़ा कैमरा, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ऐसा कुछ भी सामान हो, तो आप अपने होटल में रख के जाइए, या फिर आप वहाँ पर, जो मैंने एंट्री गेट दिखाया ना, वहाँ पर भी एक लॉकर बना हुआ है, तो आप इजीली वहाँ पर अपना सामान रख के दर्शन करने जा सकते हो और वापस आके उसको कलेक्ट कर सकते हो। सो एक्चुअली इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी आए हुए हैं। तो अभी हम लोगों ने नहा लिया है, फ्रेश हो चुके हैं, तो डायरेक्टली अभी हम लोग जा रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, भगवान भोलेनाथ सोमनाथ के दर्शन के लिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे डायरेक्टली मिलता हूँ। सो गाइस, मंदिर में दर्शन करके अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, और मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ज़बरदस्त व्यू है, मतलब पूरा समंदर दिखता है, और उधर बैठने की भी अच्छी खासी जगह है। तो वहाँ पर हमने 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया खुद के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाज़ार में गए थे ब्रेकफास्ट करने, और अभी हम लोग जा रहे हैं भालका तीर्थ। सो जाने से पहले मैं आपको एक बार मंदिर दिखा देता हूँ दूर से। ये देखो, ये है मंदिर, और आपको आगे जो वहाँ पर गेट दिख रहा है ना, वहाँ से एंट्री लेनी है और इस तरफ मंदिर में जाना है। और हमने इस वाले बाज़ार में अभी ब्रेकफास्ट किया, तो आप भी यहाँ पर चाहो तो कुछ शॉपिंग कर सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हो। सो अभी हम लोग भालका तीर्थ जाने के लिए मेन सर्कल पे आ चुके हैं। आपको जो पीछे दिख रहा है ना, ये यहाँ का सबसे मेन सर्कल। तो आपको कहीं भी जाना हो सोमनाथ के आसपास में, तो यहाँ से ही सारी ऑटो रिक्शा ना, टैक्सी, वो सब मिलेगी, अंदर भी मिलेगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही प्राइस बोलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पर मत बैठना क्योंकि वो कुछ और प्राइस बताएंगे। तो यहाँ पर आप मेन सर्कल पे आ जाओगे ना, तो यहाँ से आप इजीली अच्छे दामों में, बहुत ही कम रेट में आप आराम से घूम सकते हो। फाइनली अभी हम लोग भालका तीर्थ पहुँच चुके हैं, भालका तीर्थ के मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो, ये है भालका तीर्थ। और शायद आप लोग को पता ही होगा कि भालका तीर्थ जगह कौन सी है, और अगर नहीं पता तो हम किस लिए बैठे हैं। सो एक्चुअली में भालका तीर्थ वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। मतलब आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना, कि भगवान कृष्ण के पैर में तीर लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर ही एक पेड़ के नीचे वो सोए थे, और उनको पैर में एक तीर लगा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी। अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। सो अभी कुछ टाइम पहले तो यहाँ पर रिनोवेशन का काम चालू था, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए तो ये मंदिर अच्छी तरीके से बन चुका है, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो,
ये देखो ये मेन मंदिर भालका तीर्थ का, और आपको जो ये पेड़ दिख रहा है ना, ये वही पेड़ है बेसिकली जिसके नीचे भगवान कृष्ण सोए थे और उनको तीर लगा था। और बेसिकली ये मंदिर है और उसके एग्जैक्ट राइट साइड पे पद्मकुंड भी बना हुआ है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा पद्मकुंड, और जो मैंने पेड़ दिखाया वो एक्चुअली में रियल पेड़ है जिसके नीचे भगवान कृष्ण लेटे थे और उनको तीर लगा था। तो काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है यहाँ पर। और मेन मंदिर के अलावा पद्मकुंड, और पद्मकुंड के पास में एक महादेव का मंदिर भी बना हुआ है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप कभी भी सोमनाथ आते हो तो भालका तीर्थ को विज़िट ज़रूर करो यार, क्योंकि भगवान कृष्ण से जुड़ी हिस्ट्री है यहाँ पर। और 5000 साल पुराना पेड़ जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण लेटे थे और उनको तीर लगा था, उनकी मृत्यु हुई थी, और उसके साथ साथ पद्मकुंड को भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्लेस। तो इन फ्यूचर आप कभी भी सोमनाथ आते हो, मस्ट विजिटिंग प्लेस भालका तीर्थ, ज़रूर आओ यहाँ पर। सो हे गाइस, भालका तीर्थ के इस खूबसूरत और पवित्र मंदिर में दर्शन करके अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरा तो खैर कुछ नहीं है, सामने ही है, दूसरा मंदिर ही है, बिल्कुल पास में बना हुआ है। तो अभी हम लोग उसी मंदिर को विजिट करने जा रहे हैं। और इस प्लेस की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है आपको, कि यहाँ पर कैमरा अलाउ करते हैं, अंदर भी शूट कर सकते हो आप कैमरे से। और ऐसा नहीं कि अलाउ मतलब वो सामने से बोलेंगे आप कि अंदर आप आके शूट करो, यहाँ पे शूट करो, यहाँ पे शूट करो। तो ये काफ़ी यूनिक सी बात लगी मुझे कि वो सामने से बोलते हैं कि भाई यहाँ पर आके शूट करो, यहाँ पे करो। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो जैसे कि मैंने बताया, ये भालका तीर्थ का मंदिर, श्री कृष्ण वाला मंदिर, और उसके जस्ट सामने है ये दूसरा वाला मंदिर। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग ब्रह्मा कुमारी मंदिर से बाहर आ चुके हैं। बेसिकली ये उसका पूरा नाम है और ये राम मंदिर। मंदिर के अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन तीन तरह के शो आपको दिखाए जाते हैं बेसिकली, और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। सो अगर आप भालका तीर्थ आते हो और आपके पास उतना इनफ टाइम है तो आप डेफिनेटली इस जगह को भी विजिट कर सकते हो। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग जगह को देखने के लिए, दिखाते हैं आपको वो भी। सो भालका तीर्थ के बाद अभी हम लोग विजिट करने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल, और अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है और वो है गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी दोपहर के सिर्फ 1 बजे और गर्मी तो भाई साहब पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा। और हमारे इस भाई को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। हाय गाइस। हाय। बस पूछना है तो सिर्फ हाय गाइस, डायरेक्ट हाय गाइस। हाय। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग लक्ष्मी नारायण टेम्पल के सामने पहुंच चुके हैं, और आपको जो ये पीछे देख रहा है ना गेट, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल का एंट्री गेट है, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है। लेकिन दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है, तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं इसलिए अभी हम लोग इस मंदिर को विजिट नहीं कर रहे, लेकिन 4 बजे आपको शाम को इस मंदिर में हम जरूर ले जाएंगे। और बेसिकली जो मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको दिखाया ये सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने ही है, ये देखो पीछे आपको सोमनाथ मंदिर दिख रहा होगा। तो सोमनाथ मंदिर का जो मेन चौराहा है ना उसके जस्ट पास में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। तो सोमनाथ मंदिर अगर आप सुबह सुबह विजिट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके तुरंत बाद आप लक्ष्मी नारायण मंदिर को विजिट करने चले जाओ, क्योंकि दोपहर को वो मंदिर बंद हो जाता है। सो अभी के लिए तो हम अपने होटल में जा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा हो रही है और ऐसा कोई भी प्लेस अभी है नहीं जिसको विजिट किया जा सके। सो अभी होटल जा रहे हैं और शाम के टाइम पे दूसरे टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने हम लोग निकल जाएंगे। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल के वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे ये है यहाँ का एंट्री गेट, और अभी मंदिर ओपन है तो अभी हम लोग मंदिर को ही विजिट करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर हमने पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पर आप वीडियो फोटो शूट कर सकते हो, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, और रास्ता बिल्कुल सेम था जैसे कि मैंने दोपहर को बताया था। सोमनाथ मंदिर के जो सामने एग्जिट उनका जो मेन सर्कल है ना, जहाँ से सोमनाथ मंदिर के लिए हम राइट मुड़ते हैं, मतलब जहाँ से मंदिर दिखता है उसी सर्कल के ठीक सामने ये मंदिर बना हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हो। बेसिकली
सोमनाथ आने वाले टूरिस्ट के बीच में उतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं ये मंदिर, इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में बना हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस मंदिर को विजिट कर सकते हो अगर आप सोमनाथ आ रहे हो तो। और ये जो टेम्पल है वो साउथ इंडिया में जो टेम्पल होते हैं ना जिस टाइप के मतलब बने हुए उनकी बनावट, उसी टाइप का ये टेम्पल बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पर एक लंबा सा बड़ा सा एंट्री गेट बना हुआ है जैसे कि साउथ मंदिर में होता है, और ये मंदिर की बनावट भी बिल्कुल साउथ मंदिर की तरह ही है। एग्जैक्टली देख लो। तो अभी लक्ष्मी नारायण टेम्पल को विज़िट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम और पांडवा केव्स को विज़िट करने के लिए। तो आपको पीछे वो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है ना, वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, उसके पीछे सोमनाथ है, और उसी रास्ते पे आपको आगे जाना है त्रिवेणी संगम और पांडवा केव्स को विज़िट करने के लिए। तो अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। सो अभी हम हमारे रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे थे, बेसिकली हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या सनलाइट मुँह पर आई इसलिए मैं इस तरफ मुँह करके बात कर रहा हूँ। तो पीछे आप व्यू देखें एक बार खाली, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर सोमनाथ टेम्पल यहाँ से कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, और उसके अलावा भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जो कि है राम मंदिर। तो इनकेस आप त्रिवेणी संगम के रास्ते पर जा रहे हो तो राम मंदिर को भी विज़िट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। और उसके अलावा भी कौन कौन से प्लेसेस है दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो त्रिवेणी संगम, ये रहा, सीधा जाना है हमको, और राम मंदिर जैसे कि मैंने बताया, ये रहा राम मंदिर, काफ़ी बड़ा है वैसे एक्चुअली में, ये देखो। सो फाइनली अभी हम लोग त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे, ये है त्रिवेणी संगम का एंट्री गेट, आपको यहाँ से एंट्री लेनी है। और आप वहाँ पर आगे जाओगे ना तो वहाँ पर पांडवा केव्स को भी आप जा सकते हो, बेसिकली वो वाला मंदिर पीछे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर ये पांडवा केव्स, तो आप उधर भी डेफिनेटली जा सकते हो। हम लोग पहले त्रिवेणी संगम को विज़िट करेंगे, उसके बाद पांडवा केव्स को विज़िट करने जाएंगे, दिखाते हैं आपको। सो बेसिकली त्रिवेणी संगम होता तो यहाँ पर है, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो देखने के लिए थोड़ा आगे बोट में बैठ के जाना पड़ेगा, एग्जैक्टली वहाँ पर थोड़ा आगे होता है। तो आप आगे बोट में बैठ के जाओगे ना तो आपको और अच्छे से दिखेगा त्रिवेणी संगम प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ से भी दिखता है अच्छा खासा, लेकिन प्रॉपर देखने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। और बेसिकली ये देखो, ये मेरे पीछे बोट चलती रहती है, तो 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप बोटिंग कर सकते हो और त्रिवेणी संगम को देखने के लिए जा सकते हो। सामने से दो नदी आता है, कपिला और सरस्वती वाला हिरण नदी है, तीन नदी का यहाँ संगम होता है, संगम होकर पूरा संगम कहाँ पर होता है, यहाँ पे हम खड़े हैं, वो सामने बांध है, बांध के ऊपर से पानी चढ़ा जाता है, अभी रुका हुआ पानी है, मीठा पानी है। अच्छा, तो पानी पानी कौन से समुद्र में जाके मिलते हैं? अरब सागर। सो हमारी बोट राइड थी वो काफ़ी ज़बरदस्त रही वैसे, और अभी हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं पब्लिक से दूर, ताकि अच्छे से वीडियो शूट कर सके और आप लोगों को अच्छे से बता सके इन्फॉर्मेशन इस जगह के बारे में। तो देखो ये त्रिवेणी संगम है, और जहाँ पर मैंने दिखाया था ना, वो भाई बोल रहा था कि यहाँ पर तीन नदियों का संगम होता है, ये वो, एक्चुअली में वहाँ पर होता है त्रिवेणी संगम वहाँ पर दूर, इसलिए अगर आप यहाँ पर आते हो कभी भी आते हो तो बोट राइड ज़रूर करो। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आओ तो शाम का टाइम प्रीफर ज़्यादा करो, क्योंकि शाम के टाइम पे जो बोलते हैं ना वो सुकून भरा माहौल आपको मिलेगा ना, वो पूरे दिन में कभी भी नहीं मिलेगा। सुबह आओगे तो भी बहुत ज़्यादा धूप रहती है गर्मी की वजह से, समर की वजह से, इसीलिए बोल रहा हूँ जब भी आओ बोट राइड करो और शाम का टाइम प्रीफर करो त्रिवेणी संगम को देखने के लिए। सो अभी हमने बोटिंग किया, तो भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा शेयर करो ऑडियंस के साथ। बहुत अच्छा था। फिर भी अच्छा? अच्छा तो त्रिवेणी संगम देखने को मिला। इधर इधर कैमरा इस तरफ है। कैसा एक्सपीरियंस था बोटिंग का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, काफ़ी उम्दा था। अच्छा, काफ़ी उम्दा था, मतलब ये शायर बन रहे अभी। ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है।
नहीं वैसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और शाम के टाइम पे था ना इसलिए तो बहुत ही और मतलब ज़बरदस्त मज़ा आ गया। सो अभी हम लोग केव्स को विजिट करने जा रहे हैं। ये रहा देखो, ये जो मंदिर आपको सामने दिख रहा है ना, तो बेसिकली पांडवा केव्स यहीं पर है और हमको यहाँ से आगे से राइट लेना है। सो बेसिकली ये रास्ता सीधा जाता है पांडवा केव्स की तरफ, दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पांडवा केव्स देख के बाहर निकल चुके हैं, और केव्स के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं था इसलिए मैं आपको शूट करके नहीं दिखा सका, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ। तो बेसिकली पांडव जो थे ना, वो अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर छुपे थे बेसिकली, और यहाँ पर ही हिंगराज माता जो थी वो स्वयंभू हुई थी, यहाँ पर प्रकट हुई थी और उनको दर्शन दिए थे। तो यहाँ पर हिंगराज माता का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है। और केव्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ही ज़्यादा पतली केव्स है, मतलब आप सिंगल पसली इंसान हो तो आप इजीली अंदर घूम सकते हो, जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और दूसरी एक बात, हाइट भी बिल्कुल नहीं है, मतलब आप केव्स के अंदर जाते हो ना तो केव्स के सबसे लास्ट में हिंगराज माता का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर हिंगराज माता स्वयं हुई, तो वहाँ तक सिर्फ 3 फीट की हाइट है, मतलब आप वहाँ पर खड़े तो हो ही नहीं सकते, आपको झुक झुक के ही पूरी जो केव्स है वो एक्सप्लोर करनी है। और कोई बड़ी केव्स नहीं है, बहुत ही छोटी केव्स है, लेकिन हाँ त्रिवेणी संगम के बिल्कुल सामने है, तो अगर आप त्रिवेणी संगम कभी भी आते हो तो इस केव्स को विजिट करने जा सकते हो, बिल्कुल सामने बनी हुई है। दूसरी एक बात, यहाँ पर केव्स के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया हिंगराज माता का मंदिर है, उसके अलावा 5000 साल पुराना सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड भी बना हुआ है, तो आप उनको भी देख सकते हो। सो सोमनाथ साइट सीनिंग से रिलेटेड एक और बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखो सोमनाथ में साइट सीनिंग के लिए बहुत ही कम जगह है, मतलब उतनी ज़्यादा जगह है नहीं, बेसिकली मंदिर ही मंदिर है हर जगह पर। तो अगर आप सोमनाथ साइट सीनिंग करना चाहते हो तो एक ही दिन काफ़ी है सब जगह अच्छे से घूमने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं ना, वो आपसे आके बोलेंगे कि साइट सीनिंग करा देंगे पूरे दिन में, ये करा देंगे वो करा देंगे, इतने पैसे दे देना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के आसपास में ही है सभी साइट्स। सबसे ज़्यादा दूर यहाँ से आप गिन सकते हो तो है भालका तीर्थ, जो 4 या 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, बाकी सब जो साइट है ना वो बिल्कुल सामने है सोमनाथ मंदिर के। तो अपने हिसाब से घूमना यहाँ पर, बस इतना बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सभी साइट जो है वो सोमनाथ मंदिर के आसपास में है। पांडवा केव्स को देखने के बाद अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने, और ये जो मंदिर का नज़ारा होता है ना भाई साहब, वो रात को ही होता है जो होता है वो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो सुबह बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और जैसे ही रात हुई भाई साहब भीड़ ही भीड़, बहुत भीड़ हो गई यहाँ पर। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो सामने वो दिख रहा है ना, वो है सोमनाथ मंदिर, ये देखो। अरे भीड़ देखो आप, सुबह कितनी थी और अभी देखो, पर क्या शानदार लग रहा है यार मंदिर, देखो आप जबरदस्त। Like the video, then please give it a thumbs up. Comment down with your thoughts. Share this video as much as you can. And lastly, make sure you subscribe this channel. Press the bell icon too. I'll see you guys in next one. Till then, keep traveling, keep exploring.